हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहां पे हम ये चेक करेंगे कि कोई ट्रायंगल वैलिड है या नहीं। आप सबको पता है कि ट्रायंगल में बेसिकली तीन साइड्स होते हैं, और किसी भी दो साइड्स का अगर सम तीसरे से बड़ा हो तो उसको हम कहेंगे वो ट्रायंगल वैलिड होता है। जैसे हमारे ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, मैं उन तीन साइड्स को मान लेता हूँ ए, बी और सी। हर साइड्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ तीनों साइड की वैल्यू 1 है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ए और बी को ऐड करूँ तो यहाँ पे ये सी से ग्रेटर होगा, क्योंकि ए और बी को ऐड करने पे 2 होगा और सी की वैल्यू 1 है, तो ये ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बी और सी को ऐड करूँ तो ये बेसिकली ए से ग्रेटर होगा, करेक्ट। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ए और सी को ऐड करूं तो ये बेसिकली बी से ग्रेटर होगा। हम ये कह सकते हैं कि कोई ट्रायंगल तब वैलिड होता है अगर उसके किसी भी दो साइड का जो सम है वो तीसरे से ग्रेटर हो। अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर तीनों साइड्स के लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं मेन के अंदर, int, ए कॉमा बी कॉमा सी। तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पे तीन वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहां पे एक मैसेज देना होगा। मैं यहां पे मैसेज देता हूं प्रिंट ऑफ इंटर थ्री साइड्स, करेक्ट। हम चाहे तो अलग अलग भी रीड कर सकते थे इसको। अब मैं यहां पे रीड करता हूं एक स्कैनर से तीनों वैल्यू। यहां पे यूज करते हैं 3 टाइम परसेंट डी एंड एड्रेस ऑपरेटर ए कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सी। यहां पे हम लोग तीनों साइड्स को रीड कर लेते हैं। अब रीड करने के बाद हमें कंडीशन लगाना होगा। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि अगर दो साइड को ऐड किया जाए, सो ए प्लस बी अगर वो ग्रेटर होता हो सी से, इसका मतलब कई हद तक हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे सही होगा। तो इफ वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और एल्स में हम लिख देते हैं इनवैलिड ट्रायंगल। सो इनवैलिड ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट दो साइड्स को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे साइड 2 और साइड 3 को ऐड करें, वो साइड 1 से ग्रेटर हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब हमारा यहाँ पे दो कंडीशन सही हो चुका है। अगर ये कंडीशन सही नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ एंड इनवैलिड ट्रायंगल। ओके, अब आते हैं लास्ट टेस्टिंग पे। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या साइड 3 और साइड 1 को ऐड करने पे क्या वो साइड 2 से ग्रेटर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ वैलिड ट्रायंगल। अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ऑफ इनवैलिड ट्रायंगल। ओके, चेक कर लेते हैं इसको। कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, और मैं यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यू देता हूँ 1। आप देखोगे ये वैलिड रहेगा, सो वैलिड ट्रायंगल। ओके ओके, फिर से चेक करते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 7, 2 एंड 5। चेक करते हैं, सो फाइनली ये इनवैलिड हो गया, राइट गाइस। सो गाइस, हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ को यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है। सो आप इसको ट्राई करिएगा। कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।